लोकसभा के चुनाव में बहुत कुछ बदलता नजर आया बिहार का महागठबंधन, MY समीकरण बिगड़ते हुए हालात और ऐसे में न जाने कई अन्य चीजें। इस बार महागठबंधन जिस MY समीकरण की बातें करता था तो Y समीकरण को पप्पू यादव ने बिगाड़ा, तो M समीकरण को बिगाड़ दी हिना साहब ने। लेकिन उसके बावजूद भी RJD कैसे खुद को मजबूत बताती नजर आ रही है, आइए आपको पूरी खबर विस्तार से देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इन खबरों के बीच में बड़ी जानकारी से अवगत कराएंगे और निर्दलीय प्रत्याशी हीना साहब कैसे चुनाव में जीत के बड़े करीब तक दिखाई दे रही हैं, जो सिवान से दिवंगत जिया आपको बता दें कि सांसद साहबुद्दीन की पत्नी है, उनकी जीत कैसे दिखाई दे रही है, किस तरीके से मोकामा टाल के इलाके में ललन कुमार सिंह के प्रति मताधिकार का प्रयोग करती जनता नजर आई। वहीं आपको बता दें कि जिया सांसद और विधायकों का हुजूम भी लगा रहा। आज बड़ी खबरों में समझेंगे निर्दलीय प्रत्याशी की भूमिका में जिस तरीके से एक बड़ी ताकत बिखरते नजर आए और ये और कोई नहीं बल्कि पावर स्टार पवन सिंह थे, इसके बारे में ही बताएंगे किस तरीके से BJP लगातार बड़ा प्रयास कर रही है, मनोज तिवारी से लेकर के तमाम दिग्गज और बड़े नेता इसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पर BJP के बड़े नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की बाहों को मजबूत करने का बड़ा प्रयास कैसे सफलता की श्रेणियों में अपने नामों को दर्ज कराता नजर आया। 400 पार क्या सचमुच इस बार ये सवाल बना हुआ है। वही पप्पू यादव ने कहा हीना साहब का मदद करेंगे, खुद का मदद करेंगे और निर्दलीय चुनाव में ऐसे प्रत्याशी जिन्हें धोखा मिला या जिनके साथ गद्दारी की गई मैं उनका मदद करने आया हूँ। RK सिंह ने पवन सिंह को चेताया तो जरूर था, लेकिन पवन सिंह ने जिया RK सिंह को जवाब भी उसी इशारे में दे दिया, जिसके बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस तूफान को रोक ना पा रहे। बड़ी खबर तो यह है कि जिस तरीके से बिहार में संपूर्ण शराबबंदी कानून एक बड़ा विशेष मुद्दा बना रहा, एक बड़ी ताकत लगातार बनी रही, इस बड़े मुद्दों को लेकर के बड़ी खबरें भी सामने आई। चिराग पासवान ने बताया कि आज उनके प्रति लोगों की जागरूकता, लोगों का बड़ा मजबूती और लोगों का प्रयास किस तरीके से मजबूत हुआ है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा किया, विशेष तौर पर बड़ा बात बताया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा के चुनाव में इस बार सभी प्रत्याशियों की जीत की शुभकामना देने के लिए वो पहले ही तैयार हो गए हैं, साथ ही साथ इधर ललन कुमार सिंह के प्रति लोगों का आज वोट हुआ, लोगों ने ललन कुमार सिंह को मसीहा के तौर पर करार दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये है, समझने वाला विषय तो ये है, आपको भी जानने वाला विषय तो ये है कि बिहार में सोशल मीडिया लगातार छा गया है, जहां प्रचार प्रसार का अभियान जोरों शोरों से जारी है, ललन कुमार सिंह का प्रचार प्रसार कम, चर्चा ज्यादा हुआ। बिहार के जिया नेता और बिहार के मजबूत एक ताकत जो है वो है नीतीश कुमार, लेकिन क्या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ फिर से जाना चाहते हैं, ये सवाल लोगों के बीच में बना हुआ है। गिरिराज सिंह ने बताया कि RJD इस बार बुरी तरीके से चुनाव में हार रही है, उसके पास ऐसा कोई अधिकार या कोई बड़ा जनसमूह नहीं जिससे वो जीत सके। लेकिन इसी के साथ साथ जीतन रामाजी ने भी अपने प्रति लोगों को जोड़ने का जो बड़ा अभियान तेज किया था, इसमें बड़ी मजबूती उन्हें मिलती दिखाई दे रही है, जिसके बारे में हम लगातार कई बार जिक्र करके आपको बता भी चुके हैं। हालांकि आज की इस बड़ी खबरों में समझने और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से एक और नई कोशिश जो है वो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं करकाट की जनता के बीच में। साथ ही साथ आज एक नई खबर सामने आई है महागठबंधन और इंडिया अलायंस के लिए राहुल गांधी का एक मजबूत विश्वास का साथ बड़ा गठबंधन तैयार जो हुआ, इसके लिए अनेक खबरें भी सामने आई। साथ ही साथ पावर स्टार पवन सिंह ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद मैं करकाट की जनता के बीच रहूंगा, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं अपने जहां तमाम चीजों को खोऊं, मेरे को यही चीजें पसंद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लिए लोकसभा का चुनाव भी इस बार लोकप्रियता में क्या बड़ा गिरावट दर्ज कराएगा, क्या 400 पार के नारे इस बार जिया धरातल पर उतरते नहीं दिखाई देंगे। नीतीश कुमार बिहार में एक बार फिर से कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, क्या नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मोदी इस बार 400 पार ना कर पाए, क्या नीतीश कुमार बनारस में जब नहीं पहुंचे तो न जाने कितनी सारी अटकलने तेज हो गई। वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पटना की रैलियों में जब पहुंचे थे तो नीतीश कुमार के हाथ में BJP का झुंझुना थमा दिया गया, जिस झुंझुने को लेकर के एक बार फिर से नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिली है। क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से बनारस जब प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी का नामांकन था उस दौरान वो नहीं पहुंचे, तो खबरें सामने आई कि ऐसे में जिया नीतीश कुमार नाराज हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ लोगों ने कहा और नीतीश कुमार की तरफ से बताया गया कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से नीतीश कुमार जो है वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे, उस लोगों के बीच में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी और सबसे बड़ी खबर तो ये है कि प्रधानमंत्री जहां अपने चेहरे को मजबूत और ताकतवर नेताओं के बीच में शुमार करना चाहते हैं, वही नीतीश कुमार को अब कुछ बातों पर लगातार कहीं ना कहीं पिछना पड़ा है और नीतीश कुमार को कुछ बातों पर नाराजगी देखने को मिली है। नीतीश कुमार उन सभी चीजों को लेकर के अपनी बातों को परत दर परत रखते चले आ रहे हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ा मुसीबत क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अब उन्हें महागठबंधन में जाने पर क्या सचमुच संतुष्टि मिलेगी, क्या वो महागठबंधन में जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये एक सवाल बन करके रह गया है। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर्तव्यों से जो कुछ भी सामने आ रहा है, जो कुछ भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है, उसमें एक नया और मजबूत प्रयास जो है, एक नया और मजबूत कोशिश जो है वो सामने आ रही है। खैर, लोकसभा का ये चुनाव है और लोकसभा के इस चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के लोगों के बीच में अपनी मजबूत कोशिशों के साथ, बड़े कर्तव्यों के साथ जी कार्यों के निर्वहन के लिए मजबूत कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ा जी हाँ वैकल्पिक बड़ी व्यवस्था है और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से बिहार के चर्चित चेहरा बनते चले जा रहे हैं तेजस्वी के अंदर लोकप्रियता की भावना जुड़ती चली जा रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने तेजस्वी को जैसे ही आउट करने का प्रयास किया, वैसे ही खबर सामने आने लगी कि तेजस्वी यादव के लिए अब आने वाला वक्त और कठिन हो सकता है और ये कठिन लगातार दिखाई भी देने लगा। ऐसे में इस दौरान अनोखी प्रकार की जानकारियाँ और एक चर्चा का विषय ये बनी रही। लोगों ने बताया कि लोकसभा के चुनाव में एक बड़ी और महत्वपूर्ण विषय के साथ तेजस्वी अपनी जनसभाओं को किस तरीके से संबोधित कर रहे हैं। तेजस्वी ने एक बड़ा ही मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था को भी अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया और एक कोशिश करते हुए अंजाम तक पहुंचाते नजर आए। दोस्तों, ललन कुमार सिंह ने भी इस बार लोकसभा के चुनाव में बिगुल फूकने के साथ अनंत सिंह को बाहर लाने के बाद में जहां चुनावी जनसभाओं के बीच कई महत्वपूर्ण खबरें सामने आई। लेकिन साफ है कि देश के अंदर चर्चा का बड़ा विषय एक बड़ी मजबूत ताकत बनी हुई है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहना कि आने वाले भविष्य की बड़े और महत्वपूर्ण ताकत के लिए उम्मीद किया जा सकता है कि ललन कुमार सिंह एक नए और ताकतपूर्ण बड़े नेता के तौर पर जाने जाएंगे तो वो कोई कम नहीं होगा। ये विषय साफ तौर पर देश की जनता की बड़ी उपलब्धियों को, बड़े उपलक्ष्य में बड़ी जानकारियों को साझा करता है, व्यक्तिगत बड़े आधार को मजबूत करता है। और आप लोकसभा के चुनाव में क्या सोचते हैं, अपनी राय फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर दे दीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वन